एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न रितु पर। तो जी, सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो आज हमारी क्लास जो है वो हिंदी की है, हिंदी की क्लास है। जैसा कि आपको पता है, एक दिन हिंदी की क्लास होती है, एक दिन ईवीएस की होती है। जो डेली देखते हैं उनको तो पता होगा, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बट जो नहीं देखते, पहली बार जो आए हैं क्लास में, तो उनके लिए भाई ईवीएस की और हिंदी की और एसएसटी की प्लेलिस्ट आपको अच्छे से मिलेगी, अच्छे से सुंदर सजी सजाई हुई मिलेगी आपको। बिल्कुल जीरो से करवाया हुआ है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो ईवीएस है, चाहे वो हिंदी है। ओके, तो भाई बात करते हैं आज हमारे टॉपिक की, पॉइंट पे आते हैं। टॉपिक है हमारा कारक। टॉपिक कौन सा है? कारक। और काम नहीं चलने वाला भी ऐसे याद करना ही पड़ेगा आपको। कारक जो है आपको याद करने ही पड़ेंगे, ऐसे मत सोचना भी तुक्के वुक्के मार दोगे, तुक्के नहीं मारने। कारक जो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ट्रिक व्रिक भी नहीं है इसकी, समझना पड़ेगा। तो उसका हम आपको बताएंगे बहुत ही इजीली वे में। तो इससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाक से। तो चलिए अभी बात करते हैं कारक। कारक क्या होते हैं? सबसे पहले हम कारक टाइप्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, भाई वो बाद की बात है। सबसे पहले हम इस चीज़ का एकदम सिंपल वे में मीनिंग समझते हैं कि भाई ये कारक क्या होते हैं। कारक क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं, कारक की जो पहचान होती है वो विभक्ति से की जाती है। कारक की पहचान किससे की जाती है? विभक्ति से की जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कारक की पहचान किससे की जाती है? विभक्ति से की जाती है। और ये विभक्ति क्या बला है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। कारक की पहचान किससे की जाती है? विभक्ति से की जाती है। ओके, विभक्ति यानी कि परस्वर्ग। अब आगे इसको डिफाइन करेंगे। अब बात करती हूँ कि कारक क्या होते हैं। भाई कारक क्या होते हैं यानी कि इसकी परिभाषा क्या है? अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो कारक हम किसको कहेंगे? तो संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सब कुछ। ये जो टॉपिक है, मैन मैन हमारे जो टॉपिक होते हैं ग्रामर के, वो हम सारे पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं कि संज्ञा क्या होता है या क्रिया क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। इसीलिए आपको वो टॉपिक पहले करवाए गए हैं, ताकि आप वो टॉपिक पहले कर लोगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी। अगर जिसने संज्ञा और सर्वनाम की क्लास नहीं ली है, यानी कि जिसको संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया क्लियर नहीं है, वो ये क्लास मत लेना भाई, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया क्लियर है तभी आप ये क्लास लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई कारक क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्या पॉइंट है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे हमें क्रिया के, जो क्रिया के साथ उनका संबंध है, उसका पता चले। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से हमें संबंध बताए, इनका क्रिया से क्या संबंध है वो संबंध बताए, वह रूप जिससे क्रिया के संबंध का पता चले वो क्या होता है? क्रिया के संबंध या क्रिया के रिलेशन का पता चले हमें, भाई इनके बीच में क्या चल रहा है, वो क्या होते हैं? कारक कहलाते हैं। इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ये तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर नहीं है तो आप पीछे वाली क्लासेस ले जी भाई, क्योंकि बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते ना कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमने हर एक टॉपिक जो है इनमें की है। अगर हमने सर्वनाम पढ़ा है तो हमने संज्ञा को फिर से क्लियर किया है, अगर हमने विशेषण पढ़ा है तो फिर संज्ञा और सर्वनाम दोनों को किया है, क्रिया की है तो भी उसमें डिफाइन किया है, तो बार बार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो भाई संज्ञा और सर्वनाम का वो रूप जिससे हमें क्रिया का, उनसे क्या संबंध है उसका पता चले, वो होता है हमारा कारक। ओके, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है, सिंपल है, राम मेरा भाई है। तो ये जो वर्ड है, ये जो लास्ट वाला वर्ड है, ये इससे रिलेशन बता रहा है। राम मेरा भाई है, किसका भाई है? मेरा भाई है। अब यहाँ ये मेरा ना हो, कुछ और हो,
तो कैसे पता लगेगा? नहीं ना, यह मेरी पुस्तक है। अगर मैं बोलूं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ पर पत्ते गिरते हैं, दोनों चीजों में ये डिफरेंस है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और पेड़ पर पत्ते गिरते हैं, तो ये से ये पर इनकी कहाँ कौन सी विभक्ति सही आएगी, कौन सी विभक्ति कहाँ आनी चाहिए, वो चीजें हम यहाँ करेंगे। ये तो सिंपल एक एग्जांपल था। अब मैं बात करती हूँ कारक के टाइप्स कितने होते हैं, कारक के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स हम करेंगे कारक के एकदम अच्छे से करेंगे, फुल डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं है। लाइक शेयर कर दो बस। कारक के टाइप्स कितने होते हैं? कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। बोर्ड पे मैं आपको एक लिस्ट नहीं बना के दूंगी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, मैंने फोटो लगा दी है, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं सारे लगाती हूँ फिर उनको एक एक डिफाइन करना, एग्जांपल वगैरह देना, वो सेट नहीं हो पाता, बोर्ड भी छोटा ना उस करके, तो इसलिए एक एक करके ही करेंगे हम। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट टाइप बता देती हूँ आपको, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 टाइप्स होते हैं। अब इनको 1 by 1 हम करेंगे। सबसे पहला हमारा कर्ता, सबसे पहला हमारा क्या होता है? कर्ता। सबसे पहले कर्ता, चलो लिख देते हैं भाई। सबसे पहले कर्ता ने, आगे है कर्म, करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, और क्या है, संबंध काके की अधिकरण में पर, लास्ट में संबोधन, लास्ट में हमारा क्या आएगा, संबोधन। अब इनको करते हैं भाई, कर्ता ने कर्म को, ये या आपको याद करने पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, करण से के द्वारा, या तो से या के द्वारा, या क्या आएगा, के द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, और से भी कौन सा, अलग होना के अर्थ में होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए कि वो उससे दूर जा रहा है, संबंध का के की, पहले की कर देते, का की के, या फिर रा रेरी, जैसे मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारे, अधिकरण में पर, या के ऊपर भी हो सकता है, के ऊपर यानी कि किसी चीज के ऊपर, पेड़ के ऊपर, छत के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, संबोधन, हे, अरे, ओए, ऐसे वाले सेंटेंस, हाय, ओहो, ये वाले सेंटेंस संबोधन में, यानी कि अरे, हे राम, ठीक है, हे, और ओह, या हा हा, क्या कोई हंसते हैं, कईयों की हंसी ऐसी होती है। तो ये है आपका 4, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि चीज़ें जो हम टाइप्स करते हैं वो एक बार हमारे बिल्कुल एज इट इज़ हमारे सामने हो, इकट्ठे हमें सामने दिखे, तो वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है कि मैम ने ऐसे ऐसे करवाया था, बोर्ड पे ऐसे ऐसे लिखा था। जब हम मेरे साथ तो ऐसा होता है, क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो जहाँ से हमने वो क्वेश्चन पढ़ा होता है, कई बार होता है कि हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है वो चीज़ जो हमें क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन मान लो कारक का ही है, तो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है कि भाई ये क्या है, तो हम उस चीज़ में जाते हैं, हम बैक जाते हैं जहाँ से हमने वो चीज़ सीखी है। अगर बुक से सीखे तो उस बुक में जाएंगे, उस बुक के उस पेज पे जाएंगे, हमें ये याद आएगा कि हाँ भाई हमारी जो बुक है उसके इस साइड ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, इतनी लाइनों का है ये, इस टाइप से हमारा दिमाग जाता है। तो इसीलिए अगर आपके सामने पूरा का पूरा लिखा है तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ भाई ये इतने टाइप से, पहला ये है, दूसरा ये है, इस टाइप से आपको याद रहेगा, तो इसलिए लिख दिया। अभी हम 1 by 1 करेंगे। कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता का क्या आएगा, कर्ता ने, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तरीका नहीं है,
बिल्कुल इजी है, याद करने में भी कोई मुश्किल वाली नहीं, एक पोइम टाइप है। सुबह शाम दोनों टाइम अगर 4 दिन याद करोगे ना याद हो जाएगा। थोड़ा बाबू सोना का नाम कम ले लेना, इसका ले लेना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अलग होने वाला आएगा संबंध का केगी और अधिकरण में पर और संबंध लास्ट में हे अरे भो हाय है ना, तो ये वाले इसमें आएंगे। अब हम वन बाय वन इनको करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कर्ता ने, इनको इरेज कर देती हूँ। सबसे पहले है हमारा कर्ता ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और कमेंट सेक्शन में हाजिरी जरूर दे दिया करो भाई, आपके दर्शन की जरूरत होती है। कर्ता ने, कर्ता कौन होता है जिसने कांड किया हो, कर्ता कौन होता है? मम्मी इसने मेरे को थप्पड़ मारा, या मम्मी राम ने मेरे को थप्पड़ मारा, जैसे क्लास में स्टूडेंट करते हैं, सर राजू ने मेरी पेंसिल चुरा ली, सर मेरा पेन चुरा लिया, मेरी नोटबुक चुरा ली, इसने मेरे को थप्पड़ मारा। तो जो कांड कर रहा है वो कौन है? कर्ता। यानी कि जो काम कर रहा है वो कौन है? कर्ता। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, भाई राम का नाम, आप सोच रहे हो मैम हर एग्जाम्पल में राम का नाम लेते हैं, भाई इसलिए लेते हैं, इस बहाने राम का नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लेते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, ओके। विभक्ति हमारी ये है ने, कर्ता कौन है? पता कैसे चलेगा भी ये कौन सा कारक है? किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने। जो इसके आगे है उसका, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे भी किसने क्या किया। सेंटेंस पढ़ेंगे अपने आप पता लग जाता है राम ने पुस्तक पढ़ी, हमें खुद ब खुद महसूस हो रहा है कि हाँ भाई राम ने पुस्तक पढ़ी। किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी पुस्तक। राम ने क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ी। दो चीजें इसमें। अब हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि एक लाइन जो है, एक सेंटेंस जो है उसमें एक ही कारक हो। एक सेंटेंस में 3 से 4 कारक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक लाइन है उसमें आपसे एक ही कारक पूछा जाएगा या उसमें एक ही कारक होगा, उसमें 2 कारक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इस भ्रम में मत रहना। अब जैसे इसमें है आपसे ऑप्शन में अगर कर्ता, सिर्फ कर्ता दिया हुआ है और बाकी जो अलग कारक है जैसे अधिकरण, संप्रदान, अपादान दिए हुए हैं, तो आप इसमें क्या करोगे? कर्ता कारक। बट दोनों चीजों को अंडरलाइन, इतना अंडरलाइन किया हुआ है पेपर वाले ने, पूरी लाइन को अंडरलाइन किया है। मान लो ये जो पूरी लाइन है इसको अंडरलाइन किया और आपसे पूछा है कारक बताइए, और आपको ऑप्शन में कर्ता, कर्म, कर्ता एवं कर्म दोनों और इनमें से कोई नहीं ऐसा दिया हुआ है, तो आप फटाक से किसको करोगे? कर्ता है भाई, मैम ने बताया था राम ने, नहीं विभक्ति है तो कर्ता कारक आएगा। नहीं, क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि राम ने, ये तो साफ साफ दिख रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया क्या है? पढ़ना, क्रिया के साथ संबंधित बता रहा है ना, पढ़ा किसने? राम ने, ठीक है, ये तो ठीक है, कर्ता कारक हो गया हमारा, ये क्या हो गया? राम ने, साफ साफ दिख रहा है कर्ता कारक हो गया, लेकिन क्रिया के साथ संबंध तो पुस्तक का भी है ना। राम ने क्या पढ़ा? राम ने क्या पढ़ा? संबंध है ना, पुस्तक का भी संबंध है, तो पुस्तक क्या है? राम ने पुस्तक को पढ़ा, यही आएगा ना। अब हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि राम ने पुस्तक के लिए पढ़ी, राम ने पुस्तक में पढ़ी, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। हाँ में पढ़ा, अगर पढ़ा हो तो में लिख सकते हैं, भी कोई होगा टॉपिक जो पुस्तक में पढ़ा होगा, है ना, लेकिन पुस्तक पढ़ी, क्रिया क्या है? पढ़ी, तो राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ जो को विभक्ति है ना वो छुपी हुई है, हमने लिखी नहीं, क्योंकि बिना लिखे काम चल रहा है, चल रहा है ना। राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ हमारा कर्म कारक भी है, मैंने बताया था ना आपको कि कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ हमारा कर्म कारक भी है, लिखा नहीं है। अब जरूरी थोड़ी ना हर बात ये बोल के समझाएगा हमें, फीलिंग समझो भाई, वर्ड्स पे मत जाओ। तो वही फीलिंग है इसकी कि भाई राम ने पुस्तक को पढ़ा या पुस्तक को पढ़ी, तो इसमें दोनों ही कारक आएंगे, आपको दोनों पे ही टिक करना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक है कर्ता या सिर्फ एक है कर्म तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोनों पे टिक करना है। क्लियर? इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा भाई। आगे मैं बात करूं, छात्रों ने पुस्तक को पढ़ा, वही चीज है, छात्रों, छात्र कौन है? कर्ता है। पढ़ा किसने? कर्ता ने। किसको पढ़ा? कर्म कौन है? पुस्तक है, ओके। अब जैसे माता ने या माँ ने बेटे को सेब खिलाया, आगे सेंटेंस है हमारा माता ने बेटे को सेब खिलाया,
सेब का सीजन भी आया, अभी सेब खिलाया माता ने बेटे को, सेब खिलाया ठीक है। तो हमें हमारी विभक्ति तो मिल गई भाई, यहाँ अगर ये अंडरलाइन है तो हम क्या बोलेंगे, कर्ता है, कर्ता कारक है, कर्ता कौन है, कर्ता जो काम करता है। माँ ने यानी कि माता ने, माता ने क्या है, कर्ता कारक हो गया भाई, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, क्लियर। बेटे को ये कौन है, कर्म है, किसको खिलाया, बेटे को, तो ये बेटे को ये क्या है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, ये क्या है, कर्म कारक, क्या खिलाया, सेब खिलाया, क्लियर। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, राम ने, जितने सेंटेंस करोगे उतने ही कम है आपके लिए, जितने सिंपल सिंपल एग्जांपल आप करोगे उतने ही कम है आपके लिए। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने मारा किसने, राम ने, करने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, राम, तो ये क्या है हमारा, कर्ता कारक, किसको मारा, रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, कर्म कारक, कर्म कारक, इसके साथ साथ आपका कर्म कारक भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप जितना एक दूसरे से कंपेयर करोगे, एक दूसरे कारक से कंपेयर करोगे सेंटेंसेस को, तभी समझ में आएगा। अगर मैं सिर्फ कर्ता ही कर्ता के करवाए जा रही हूँ या फिर कर्म कर्म के करवाएंगे हम, तो उसमें हमसे, हमें क्लियर नहीं होगा कि भाई क्या चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ के कर्ता के कारक की हम बात करें तो 100,000,00,000 जितने मर्जी एग्जाम्पल दे दो, क्या समझ आएगा, नहीं। जब तक हम डिफरेंस क्लियर नहीं करते, जब तक हम उनको कंपैरिजन नहीं करते, तब तक चीज़ें समझ नहीं आती। कोई भी इंसान ही लगा लो, अगर वो हमारे सामने है तो ठीक है वो अच्छा है, टीचर है हमारे सामने है ठीक है वो अच्छा है, लेकिन उसी की जगह दूसरा आता है तो तब हमें वो चीज़ें महसूस होती है कि इसमें ये था, इसमें ये है, इसमें ये नहीं था, इसमें ये है, तो ठीक वैसे ही बात है, तब वो कुछ कुछ हमें समझ में आता है। तो राम ने रावण को मारा, सिंपल है। अब अगर इसको हम बढ़ाना चाहें, राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से मारा, ये तो ठीक है, कर्ता है हमारा, हम कर चुके हैं, और ये हमारा कर्म है, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, तो यहाँ तीर से, देखो से जो होता है वो अपादान में भी आता है, से अपादान में भी आता है, लेकिन यहाँ अलग तो नहीं हुआ ना, अलग होने का अलगाव तो नहीं है यहाँ पे, किसी चीज, तीर क्या है, माध्यम है, मीडिएटर है, जो चीज माध्यम हो वो किस में आएगी, हमारी करण में आएगी, वो किस में आएगी, करण में आएगी, जो मीडिएटर होगा वो करण में आएगा, अलग होना होगा वो अपादान में आएगा, यानी कि से अलग होना। तो राम ने रावण को किससे मारा, तीर से, तो यहाँ ये भी तो हो सकता है ना, अगर हम इसको यहाँ ऐसे रख के देखें कि राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा, फिर तो हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि भैया तो करण कारक है, आ रहा ना साफ साफ समझ, लेकिन यहाँ तीर से मारा आ गया तो कंफ्यूजन होती है कि भाई से अपादान आएगा या करण आएगा, यहाँ करण ही आएगा, अपादान नहीं आएगा, अपादान होता है अलग होना, उस चीज से अलग होना, जबकि यहाँ एक मीडिएटर है, तीर जो है वो अलग नहीं हो रहा बल्कि एक माध्यम है उसको मारने का, राम और रावण के बीच का जो माध्यम है, क्लियर। तो तीर से मारा, यहाँ कौन सा कारक आएगा, करण कारक आ जाएगा आपका, तो मेरे हिसाब से कर्ता कारक है ये, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अभी इसको सुबह शाम पी लेना पानी के साथ। कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। आगे है संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की या रारेरी अधिकरण में पर, और आगे हमारा लास्ट है संबोधन, हे अरे हाय, तो ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक, वो हम आज ही कर लेते हैं, चलो आज ही कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक, तो भाई कर्म कारक करते हैं, कर्म कुछ तो आपको क्लियर हो भी गया होगा, बस एक दो एग्जांपल्स है जो मैन मैन एग्जांपल्स है वो हम करेंगे, कुछ स्पेशल जो चीज होती है वो। तो इसमें आपको एक तो ये पता चला कि भाई कर्ता कौन होता है, जो काम करता है, काम करने वाला,
कर्म कौन होता है? जैसे राम ने सीता को क्या मतलब कोई गिफ्ट दिया, सीता को गिफ्ट दिया, तो यहाँ कर्म कौन है? सीता है, यानी कि जो हमारे सामने है। माँ ने बेटे को सेब खिलाया, तो बेटा कौन है? कर्म है। किसको खिलाया? बेटे को। तो ये जो किसको का जवाब देता है ये कौन होता है? कर्म होता है। किसको क्या का जवाब देता है वो होता है कर्म। क्लियर? तो कर्म कारक क्या होता है? कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये को हमारी विभक्ति है यानी कि पहचान है, कर्ता ने कर्म को। तो दो तीन एग्जांपल तो मैं आपको करवा चुकी हूँ कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो अब एक दो और देख लेते हैं। जैसे तुमने धोबी को कपड़े दिए, तुमने धोबी को कपड़े दिए, वही मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया, इसको इंक डाल लेते हैं। वेट वही, तुमने धोबी को कपड़े दिए, किसको दिए? कि जो किसको क्या का जवाब देता है वो क्या होता है? हमारा कर्म। यहाँ कपड़े भी कर्म है और किस धोबी जो है वो भी हमारा क्या है? कर्म है। तो तुमने धोबी को कपड़ा दिए, कपड़े दिए, तो ये धोबी को क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक हो गया। तो ये तो है हमारा एकदम सिंपल सेंटेंस। अब आगे एक सेंटेंस और करती हूँ, एकदम सिंपल चीजें हैं, बस आपको मैन क्या है आपको याद रखने हैं कि आठ कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा। बिल्कुल ये जो आपकी पोइम है ये आपको याद करनी है अच्छे से, एक पोइम समझ के कर लो या इसको एक शायरी समझ के कर लो या इसको कुछ भी समझ लो, आपकी मर्जी है। जितना जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो समझ के करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगी, अदरवाइज अगर ये समझ के करोगे तो भाई कारक है याद करने ही पड़ेंगे, तो भाई ऐसे ही याद होंगे, क्योंकि इनका भी तो दिल दुखता है ना जब ऐसे गंदा सा शक्ल बना के आप याद करते हो, तो वो अच्छे से फीलिंग के साथ याद करना है भाई, गाना समझ के कर लेना। तो कर्म को जैसे मैंने, अब देखो यहाँ पे थोड़े से अमीर बन जाओ, मैंने बन जाते हैं, मैं भी बन जाती हूँ साथ में, मैंने राजू को 1,00,000 रुपए दिए, कितने दिए भाई? 1,00,000। तो राजू जहां कहीं भी हो वापस लौटा देना सूद समेत। तो मैंने राजू को 1,00,000 रुपए दिए, मैंने करता है, मैंने तो करता है ना, वो अलग बात है, नहीं इसके अंदर ही छुपा हुआ है। मैंने राजू को किसको दिए? राजू को दिए, तो ये क्या है? हमारा कर्म कारक है। क्या है हमारा? कर्म कारक है। ओके, अब कुछ सेंटेंस और करते हैं, इसका अपवाद भी है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसका अपवाद ही जरूरी है। सेंटेंस तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, अगर कहीं को लिखा हुआ है तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि भाई यहाँ को है तो कर्म कारक आएगा। अब कुछ हटके करते हैं, अगर की ओर चारों और दोनों तरफ तीनों तरफ ऐसे लिखा हो, चारों तरफ या दोनों और मैं कहूं तो, या दोनों तरफ तीनों तरफ, मतलब आप समझ गए ना इस टाइप से, या कोई भी वार तिथि, वार तिथि या के आसपास ऐसा कुछ आता है तो वहां भी कर्म कारक आएगा। जैसे मैं अमावस्या को व्रत रखता हूं, तो यहाँ तो को आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है यहाँ हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तुम मंगलवार को घर आओ, तुम मंगलवार को घर आओ, तो यहाँ ये आपका कर्म माना जाएगा, यहाँ ये क्या होगा? आपका कर्म माना जाएगा। आप सोचते हो मंगलवार को दिन का नाम है ये तो, बट फिर भी यहाँ आपका क्या होगा? कर्म कारक होगा। एक सेंटेंस और करवाती थी कि तुम्हारे घर के चारों तरफ पानी भर गया, तुम्हारे
तुम्हारे घर के चारों तरफ पानी भर गया। अब आप सोचोगे भाई मैम ने बताया ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं, कौन सा कारक करें। अब घर के समझ के संबंध मत कर देना, संबंध कारक नहीं आएगा। तुम्हारे घर के चारों तरफ पानी भर गया तो ये चारों तरफ आ गया, इसलिए क्या होगा? कर्म कारक। इसलिए इसमें क्या होएगा भाई? कर्म कारक। कौन सा कारक होएगा आपका? कर्म कारक, यानी कि तुम्हारे घर के चारों तरफ पानी भर गया, कर्म कारक होएगा, संबंध नहीं करना। और अगर जैसे मैं अमावस्या को व्रत रखता हूं या मैं अमावस्या का व्रत रखता हूं, अगर का आया है, जैसे मैं यहां लिखूं भाई मैं अमावस्या का व्रत रखता हूं या मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं, तो इसमें आपका कर्म कारक आएगा। मैं अमावस्या का व्रत रखता हूं, मैं अमावस्या का व्रत रखता हूं, तो यहाँ ये आपको संबंध लग रहा होगा लेकिन संबंध नहीं आएगा, ये कर्म कारक का अपवाद है। ये क्या है? कर्म कारक का अपवाद है। तो यहाँ आपका कर्म कारक आएगा, मैं अमावस्या का व्रत रखता हूँ, कर्म कारक आएगा आपका, इनकी कर्ता ने कर्म को, ये आपका क्या आएगा? कर्म कारक आएगा। एक बार फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा भाई कि कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो, ये है। तो क्लास हमारी यही एंड होता है हमारी क्लास का, फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, नई क्लास के साथ, नई क्या बताएं, ऊर्जा के साथ भाई। तो लाइक शेयर में तो कोई कमी मत रखना भाई, अगर कर नहीं किया है अब तक भी आपने क्लास को लाइक शेयर तो अब भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना, मोटिवेट करो ताकि मुझे भी यूँ लगे कि हाँ मेरे करवाने का कुछ तो फायदा है। और EVS और हिंदी की बाकी क्लासेज है वो लेना मत भूलना, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं ली है तो जितना हो उसकी क्लास को शेयर करो। थैंक यू। और ये बाकी का जो टॉपिक बच गया ये हम करेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि कल तो हमारी EVS की क्लास है, परसों हिंदी का करेंगे। ओके, थैंक यू।